तो इस लड्डू के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, आयरन, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ही जल्दी प्रमोट करता है और हमारे स्किन को भी बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। साथ ही हेयर फॉलिकल्स को इतना स्ट्रांग बना देता है कि बालों का झड़ना ही रुक जाता है। तो ये आपको रोज एक लड्डू खाना है सुबह, ये आपके बालों को बहुत मजबूत बना देगा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा लड्डू शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाएगा और साथ ही आपका हेयर लॉस बिल्कुल भी रोक देगा। और ये लड्डू आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना हेयर मास अप्लाई करना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हेल्दी खाना। अपने चैनल में बहुत सारा हेयर मास शेयर किया हुआ है, बट मैं प्रॉपर हेयर केयर वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पे, जो कि बहुत सच में बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो सिर्फ हेयर मास्क अप्लाई करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, अगर आप साथ में ये इस तरीके का हेल्दी लड्डू भी खाते हैं, हेल्दी फूड भी लेते हैं, तो आपका बाल जरूर बढ़ेगा और झड़ना भी रुक जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं हमेशा अपने चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन B1 होता है, जो कि हमारे हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमें चाहिए सनफ्लावर सीड, जिसको सूरजमुखी का बीज बोलते हैं। तो सनफ्लावर भी मेन इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोटिन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है। बायोटिन तो बहुत फेमस है बालों को मजबूत बनाने के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए खजूर यानी डेट्स, तो ये ड्राई डेट्स है और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है आयरन, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कैश्यू नट्स लिया है यानी काजू, तो काजू भी बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी और हेयर के लिए, इवन ये एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और फिर उसके बाद हमें चाहिए अखरोट यानी वॉलनट, तो वॉलनट के अंदर भी बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बायोटिन होता है और साथ ही में इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है सेलेनियम, जो कि हमारे स्कैल्प के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही जल्दी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, हेयर लॉस भी कंट्रोल करता है। अब हमें क्या करना है कि पैन गर्म करना है, उसके अंदर इसको जो फ्लैक्स सीड है, अलसी का बीज है, उसको रोस्ट करना है। तो जब आप रोस्ट करेंगे ना, तो चट चट की आवाज आएगी और ये आवाज जब कम आना शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपका जो फ्लैक्स सीड है वो रोस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्लैक्स सीड रोस्ट कर लिया, अब इसको ठंडा करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया, अब हम लोग सनफ्लावर सीड को रोस्ट करेंगे। तो इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 5 मिनट मैक्सिमम, वो भी एकदम धीमी आंच पे। अभी आप देख सकते हैं रोस्ट हो चुका है ये, अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग रोस्ट करेंगे वॉलनट, तो वॉलनट को भी मैक्सिमम 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करना है आपको, ज्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये भी रोस्ट हो चुका है, इसको भी निकाल दीजिए ठंडा होने के लिए एक प्लेट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नारियल को कट करना है, तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, बट मैंने खड़ा कोकोनट लिया था तो उसको मैं अच्छे से कट कर लूंगी। उसके बाद ये मैंने रोस्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टाइट है और ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा कैश्यू नट, तो अब हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा फाइन बनाया है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनाइए। फिर उसके बाद हम लोग वॉलनट को अच्छे से ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका भी पाउडर बन चुका है, तो बहुत फाइन पाउडर बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप बहुत फाइन पाउडर मत बनाइएगा। अब हम लोग डेट्स को ग्राइंड करेंगे, डेट्स को ग्राइंड करना बहुत जरूरी है अच्छे से। एक तो ये स्टिकी होता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आपका जो लड्डू है बहुत अच्छे से बन जाएगा, आपको जो गोंद आता है उसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये होगी इसके साथ कि आपको ज्यादा गुड़ भी ऐड करना नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों का फ्लैक्स सीड है ये भी ठंडा हो चुका है, इसको हम लोगों को एकदम बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पाउडर बनाना है। तो मैंने देख सकते हैं आप कि इतना सारा जितना भी फ्लैक्स सीड था सबको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि जो सनफ्लावर सीड है इसको भी ठंडा करना है पहले, तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसको भी बहुत ही फाइन सा पाउडर बनाना है इसका भी, क्योंकि ये थोड़ा भी खड़ा रहता है तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए इसका पाउडर फाइन सा बनाना जरूरी है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी जो मैंने कट किया था कोकोनट, उसको ऐड कर दूंगी। ये है किशमिश, ये ब्लैक वाली किशमिश है, ब्लैक वाली किशमिश ज्यादा फायदेमंद होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक किशमिश। उसके बाद यहाँ पे घी ऐड करना है, तो ये घर का बना हुआ मैंने बनाया है घर पे घी, तो उसको ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं ये है गुड़, तो गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर नहीं ऐड करना है इसमें। थोड़ा सा मैं और गुड़ ऐड करूंगी क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रही हूँ और घी की भी थोड़ी सी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें। तो आप देख सकते हैं ये पूरा घर पे घी बना हुआ एकदम प्योर, और ये इसके अंदर बहुत ज्यादा गुड़ फैट होता है,
बैड फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको हाथ से ऐसे मिक्स करना अच्छा नहीं लगता है तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, लेकिन मैंने मेक श्योर किया था, मैंने अपना हाथ अच्छे से वॉश किया था, अच्छे से सैनिटाइज किया था, उसके बाद मैं लड्डू बना रही हूँ, बट देखने में थोड़ा सा ये अजीब लगता है। सो यू कैन यूज ग्लव्स इंस्टेड ऑफ हैंड। तो मैंने ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में सारी चीजें ली थी और मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाया है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो सनफ्लावर सीड है और फ्लैक्स सीड है, ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप घर से बाहर रहते हैं, लाइक अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और बहुत सारी चीजें आप अपने बालों के लिए नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है वैसे हॉस्टल्स में इतना ज्यादा कुछ DIY करना अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, तो आप ये लड्डू बना के घर से लेके चले जाइए और डेली आप एक लड्डू खाइए और इसका रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा मिलेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके बाल भी स्ट्रांग होंगे और आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। तो आप अपनी मम्मी से बनवा सकते हैं अगर आप खुद नहीं बना पाते हैं, अगर आप टीनेजर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो आप अपने मम्मी से कह के ये लड्डू बनवा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और आपकी स्किन और बाल के लिए तो बहुत ही ज्यादा एकदम ब्लेसिंग की तरह है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, फ्यूचर में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।